हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार्पेक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, करंट टाइम पे आपको यूट्यूब पे एक्स्ट्रा के बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा के वॉक अराउंड वीडियोस, एक्स्ट्रा के इवन ड्राइव रिव्यूज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्स्ट्रा के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि इस कार में इम्प्रूव हो सकते थे, या कह सकते हैं कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मेरी नज़र पे लगता है मुझे। इससे पहले कि आप लोग जज करो मुझे कि यार मैं सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बोलता हूँ एक्स्ट्रा के बारे में या नेगेटिव पॉइंट्स रख रहा हूँ, आप मेरी और वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो जिसमें मैंने एक्स्ट्रा के कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी बताई थी। बट जहाँ मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ तो कुछ नेगेटिव बताना भी मेरा ही काम है। जो मुझे लगता है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको ये इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना भी ना भूलें। तो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे लग रहा था कि इस कार में और इम्प्रूव हो सकते थे। सबसे पहले बात करते हैं कार की प्राइसिंग की। तो कार जिस प्राइस से स्टार्ट हो रही है, बहुत ही अच्छे प्राइस रखे हैं होंडा ने, बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइस रखे हैं इस बार होंडा ने। 6 लाख से कार स्टार्ट होती है, अगर कंपटीशन को भी देखोगे तो उसके कंपैरिजन में भी बहुत अच्छे प्राइस के साथ ये कार लॉन्च होने वाली है। एंड इसकी प्राइसिंग की वजह से ही ये कहीं ना कहीं ये कार बहुत अच्छा कंपटीशन भी देने वाली है अपने सेगमेंट की बाकी कार्स को। इवन अगर मैं बात करूं तो आइटन नियोस के लिए भी एक अच्छा कंपटीशन बन गई है ये, अपने ही ब्रांड की कार को एक अच्छा कॉम्पिटिशन देगी। तो मैं बात करता हूँ इसके प्राइसिंग की। तो स्टार्टिंग प्राइस से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, बट जो इसके हायर एंड वेरिएंट के प्राइसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ इसका जो टॉप वेरिएंट आता है एक्स ऑप्शनल कनेक्ट, उसके जो प्राइस है 10.10 लाख एक्स शोरूम, जो कि अगर मैं बात करूँ ऑन रोड आते आते वो 11 लाख प्लस या 11 लाख तक के अराउंड पहुँचेगा। तो उस प्राइस रेंज पे आपको इससे नेक्स्ट सेगमेंट के भी कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो उनके टॉप एंड वेरिएंट हैं उनके प्राइस थोड़े ज़्यादा रखे गए हैं, थोड़े से ओवर प्राइस मुझे लग रहे हैं। सेम केस गोज विद टाटा पंच। टाटा पंच में भी मुझे ये फील होता है कि जो उसके टॉप वेरिएंट है उनके प्राइस थोड़े से ओवर प्राइज है। तो सेम इसमें भी जा रहा है कि इसके भी जो टॉप वेरिएंट है उसके प्राइस मुझे थोड़े से ओवर प्राइज लग रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि इस कार में इम्प्रूव हो सकता था, या कंपनी जिस तरह से कंपनी ने इसके स्टार्टिंग मॉडल के प्राइस रखे हैं उसी तरह अगर इसके एंड मॉडल्स के प्राइस या टॉप मॉडल्स के प्राइस भी अगर उतने ही कॉम्पिटिटिव रखे जाते हैं तो शायद थोड़ा और अच्छा होता। सेकेंड पॉइंट जो मुझे लगता है इस कार में वो है, जो मुझे फील हो रहा है वो है इस कार का जो टायर प्रोफाइल दिया गया है, 15 इंच के आपको इसमें टायर साइज दिए जाते हैं। एंड जो अगर उसके प्रोफाइल की बात करूँ तो इसमें आपको 175/65R 15 इंच के टायर मिल रहे हैं। तो जो मैं बोलूँ अगर उन टायर्स की विड्थ थोड़ी कम लग रही है मुझे, अगर मैं बात करूँ अगर आप कार को देखोगे एंड उसके हिसाब से उसका टायर साइज देखोगे तो वो प्रोपोर्शनेट नहीं जा रहे, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो टायर साइज है वो थोड़ा सा अपग्रेड कर सकती थी कंपनी। इवन बात करूँ तो स्पेयर टायर भी आपको 14 इंच का इसमें मिलता है, सेम साइज का टायर इसमें स्पेयर में भी नहीं दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्शन ऐसा था जिसमें कंपनी इसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट के साथ ला सकती थी, एक साइज बढ़ा देती या थोड़े से और विड्थ वाले टायर इसमें प्रोवाइड कर सकती थी। थर्ड पॉइंट जो मुझे लगता है और जो मेरे को भी लगता है काफ़ी मेजर इशू मुझे लगता है इस कार के साथ, या वो है इस कार का इंटीरियर। आप देखोगे यार इंटीरियर सेम आपको i10 ऑरा वाला इंटीरियर इस कार में देखने को मिलेगा। आप होंडाई इस सेगमेंट में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में अपनी कार लेके आ रही थी, फर्स्ट इन सेगमेंट की कार थी। इससे पहले वेन्यू इससे एक अपर सेगमेंट में आ जाता, तो इस सेगमेंट की बात करूं माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में तो ये फर्स्ट कार लेके आ रही थी। तो उस हिसाब से अगर कंपनी इसके इंटीरियर को भी थोड़ा रिफ्रेशिंग लुक के साथ लेके आती तो शायद वो बायर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करता, बिकॉज सेम इंटीरियर आप यूज कर रहे हो जो आपने i10 नियोस ऑरा में देखने को मिल रहा है, सेम इंटीरियर आपने इस कार में यूज किया। तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि आपका इतना अच्छा प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो, इतने सारे फीचर्स के साथ आप उसको लेके आ रहे हो, एक्सटीरियर में आपने इतनी सारी मॉडिफिकेशन इतने सारे चेंजेस करे हैं, तो उस हिसाब से इंटीरियर का चेंज भी बनता है यार, और आपको इंटीरियर में भी इसको थोड़े चेंज करके लाना चाहिए था। तो अगर आप इस पॉइंट से एग्री हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार इंटीरियर सही है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे इंटीरियर से मैं इतना ज्यादा खुश नहीं हूँ कार के, बिकॉज सेम इंटीरियर आप यूज कर रहे हो हर कार में, अपने i10 में आप सेम ला रहे हो, ऑरा में आप सेम ला रहे हो, नेक्स्ट में भी आप सेम ले आए। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ इस कार से। बात की जाए नेक्स्ट जो मुझे लगता है इस कार में, एंड इससे पहले मैं ये बात पंच के लिए भी बोल चुका हूँ,
यार आपने हैंडरेस्ट नहीं दिया, आपने अपने टॉप मॉडल में भी हैंडरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया, आपने रेयर एसीवेंट दिया हुआ एक्स्ट्रा में, बट मुझे फील होता है कि छोटे माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की कार है, आपको रेयर एसीवेंट की इतनी ज्यादा नीड नहीं पड़ेगी, आपका फ्रंट एसी सफिशिएंट है पीछे रेयर में कूलिंग देने के लिए, तो मुझे नहीं लगता रेयर एसीवेंट की इतनी ज्यादा जरूरत है। बट हाँ, आर्मरेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको फील होगा जब आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे या जब कभी भी इसको हाईवेज पे रन करोगे लंबे डिस्टेंस के लिए, तो आर्मरेस्ट ऐसी चीज की फील है कि आर्मरेस्ट ऐसी चीज है कि जो आपको फील होगी कि कार में ये आर्मरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं एक कंफर्ट लेवल बढ़ा देता है अगर आपके पास आपकी कार में एक आर्मरेस्ट होता है। तो एक आर्मरेस्ट की कमी मुझे इस कार में लग रही है, जो मुझे एटलीस्ट लगता है टॉप मॉडल में तो दे देना चाहिए था, मैं बेस मॉडल की बात नहीं कर रहा, बट टॉप मॉडल में तो देना चाहिए था, आगे भी नहीं है एंड पीछे रियर सीट में भी नहीं है, तो ये चीजें मुझे लग रहा है कि ये चीज प्रोवाइड करनी चाहिए थी। एंड इसके अलावा मैं बात करूं जो नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लग रहा है, आपने रियर में आपने हेडरेस्ट दिया हुआ है विच इज़ वेरी गुड, आपने बेस मॉडल से हेडरेस्ट दे दिया जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, एंड बट आपने जो फ्रंट के हेडरेस्ट है उनको आपने फिक्स्ड ही रखा है, आपको एटलीस्ट उनको भी देना चाहिए था, लाइक फ्रंट में फिक्स रखने का मुझे नहीं लगता कोई एक पॉइंट है, फ्रंट में भी आपको लाइक एडजस्टेबल हेडरेस्ट देने चाहिए थे, तो हेडरेस्ट मुझे लगता है कि इस कार में आपको देना चाहिए था, तो वो एक पॉइंट है जो मुझे फील होता है कि ये होना चाहिए था। अब एक लास्ट पॉइंट जो मुझे इस कार में फील हुआ है एंड उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट वो चीज़ जो है वो सब्जेक्टिव है, वो कुछ लोगों को पसंद आएगी कुछ लोगों को नहीं आएगी, वो है इसका रियर लुक, जो मुझे थोड़ा पर्सनली समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, तो एक रियर लुक है जो इसका रियर प्रोफाइल है वो थोड़ा सा कंपनी इसको चेंज कर सकती थी, वो मेरा वो जो लास्ट पॉइंट है वो आप लगा लो कि कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है और बट कुछ लोग हो सकते हैं जिनको वो पसंद भी आ रहा होगा, तो मेरे को पर्सनली थोड़ा सा लगता है कि आपको रियर प्रोफाइल में मुझे लगता है कि थोड़ा सा लैग हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, अदरवाइज यही कुछ पॉइंट है जो मुझे इस कार में लगे। और अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ नेगेटिव बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, कार में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा, आपको बताऊंगा कि इस कार में क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, एंड अभी भी मैं आपको बोलता हूँ कि ये कार एक बहुत अच्छी कॉम्पिटिशन देगी अपने सेगमेंट की बाकी कार्स को, मैं इस पॉइंट पे जो मैंने पहले भी बताया था इस पॉइंट में मैं अभी भी स्टिक रहूंगा कि ये कार काफी अच्छा कॉम्पिटिशन देने वाली है, और जब से इसके प्राइसिंग जो आई है जिस जो स्टार्टिंग प्राइस हुआ बता रहा हूँ 6 लाख, उसके बाद तो ये कार काफी अच्छा कॉम्पिटिशन देने वाली है। बट हाँ, ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कार के जो मैंने आपके सामने आज रखे, अगर आप एग्री करते हो इन पॉइंट्स से तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये सारे पॉइंट्स बेकार हैं या मतलब इन पॉइंट्स की कोई लाइक वैल्यू ही नहीं है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, और अगर वैसे हमने नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।